हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं नेत्राम, एनआर करंट जीके क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं यहां पर जो भी प्रश्न लाता हूं बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं जिनके परीक्षा में आने की संभावना अधिक से अधिक होती है। दोस्तों, आज 5 अक्टूबर 2020 के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन सभी का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर मिल जाएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं, जहां से आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम बढ़ते हैं आज के मोटिवेशनल क्वेट की तरफ। ये देखिए आज का मोटिवेशनल क्वेट, लक्ष्य मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर मैं कोशिश भी ना करूं ये तो गलत बात है। दोस्तों, लक्ष्य मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, पर मैं कोशिश भी ना करूं ये तो गलत बात है। दोस्तों, लक्ष्य आपको अवश्य ही मिलेगा, लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और ईमानदारी के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, तो आपको ज़रूर से ज़रूर अपनी मंजिल मिलेगी। दोस्तों, बढ़ते हैं इस वीडियो के पहले प्रश्न की तरफ। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, निम्न में से कौन सा देश इस साल नवंबर तक दुनिया का पहला खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजेगा? ऑप्शन बी चीन। चीन दुनिया का पहला खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजेगा। दोस्तों, मैं बाकी जो वीडियो थी, पिछली कुछ वीडियो थी, उनमें चारों ऑप्शन का नाम लेता था, वीडियो लंबी होती थी, लेकिन अभी मैंने केवल जो सही ऑप्शन है वही आपको बोलूँगा, जिससे वीडियो अधिक लंबी नहीं हो। दोस्तों, बी इसका सही आंसर है, चीन। चीन दुनिया का पहला खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजेगा। चीन की एक निजी कंपनी है ओरिजिनल स्पेस। ये एक कंपनी है और ये कंपनी एक निजी कंपनी है और ये दुनिया का पहला खनन रोबोट अंतरिक्ष में भेजेगी। रोबोट का नाम उन्होंने रखा है एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट। रोबोट जो है वास्तविक खनन नहीं करेगा, बहुमूल्य जो संसाधन है उनकी पहचान करेगा। वहाँ पर जो संसाधन है, खनन है, उसकी पहचान करने में ये मदद करेगा रोबोट। राजधानी, देखिए चीन के बारे में बात करते हैं, तो चीन की राजधानी बीजिंग है, सबसे बड़ा शहर शंघाई है, राजभाषा मंदारिन है, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, प्रधानमंत्री ली कचियांग है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है रेन मिनबी। मुद्रा और राजधानी आप 100% याद रखिएगा, इनको आप नहीं भूलें। प्रश्न नंबर दो की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दो देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी जो प्रश्न है यहाँ पर बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न है। हाल ही में राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने पुरुषों के आदर्श वजन को संशोधित करके कितना किया है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 65 kg किया है, 65 kg कर दिया है। और पहले जो आदर्श वजन माना जा रहा था वो 60 kg था, 60 kg से बढ़ाकर 65 kg कर दिया है, 5 kg की बढ़ोतरी कर दी है। और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का जो औसत वजन है वो 55 से बढ़ाकर 60 कर दिया है। महिलाओं का जो औसत वजन है वो 55 से बढ़ाकर 60 कर दिया है, मतलब दोनों में 2-5 kg वजन जोड़ दिया है। इसके अलावा दोस्तों, जो अग्रणी पोषण अनुसंधान है उसने भी पुरुषों और महिलाओं की जो ऊंचाई है उसमें बदलाव किए हैं। जो पुरुषों की ऊंचाई पहले मानी औसत ऊंचाई 5'6", उसको बढ़ाकर 5'8" कर दिया है और जो महिलाएं हैं उनकी 5 फुट से बढ़ाकर 5'3" कर दी है। ये अग्रिण पोषण अनुसंधान ने पुरुषों और महिलाओं की ऊंचाई में बदलाव किया है। आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर तीन देखिए, विश्व पोस्ट कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए
ऑप्शन ए 1 अक्टूबर को विश्व पोस्ट कार्ड दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मैंने आपको इस महीने में 2-3 दिवस और बताए थे, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस भी मनाया जाता है और 1 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस भी मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को बताया था अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ें, ये फोटो देखिए, वर्ल्ड पोस्ट कार्ड डे 1 अक्टूबर। प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। हाल ही में किस शहर को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 दिया गया है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और जयपुर। तो दोस्तों ऑप्शन बी दिल्ली, दिल्ली 1 नंबर पर है और मुंबई है 2 नंबर पर। दिल्ली 1 नंबर पर है, मुंबई 2 नंबर पर है। यहाँ लिखा हुआ है NCRB, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। 1 नंबर पर दिल्ली आती है, 2 नंबर पर मुंबई। अगर हम दिल्ली की बात करें 2019 में 12,902 मामले आए थे और मुंबई में 2019 में 6,519 मामले आए हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पर दिल्ली और दूसरे पर आती है मुंबई। दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल हैं, उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं, विधानसभा की 70, लोकसभा की 7 सीटें। पर्यटन स्थल देखिए, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, इंडिया गेट, जामा मस्जिद और लोर्ड्स मंदिर, ये यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। प्रश्न नंबर पाँच हाल ही में किस रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन माई सहेली कार्यक्रम की शुरुआत की है? दक्षिण पूर्व रेलवे। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है दक्षिण पूर्व रेलवे, SER, साउथ ईस्टर्न रेलवे। इसने महिलाओं की सुरक्षा के लिए माई सहेली कार्यक्रम की शुरुआत की है, जो पूरी यात्रा के दौरान अपने गंतव्य तक जाने वाली ट्रेन से महिला यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाएगी। दक्षिण पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वह है कोलकाता, इसका मुख्यालय कोलकाता, इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। प्रश्न नंबर छः देखिए, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन टेक पहल IBE नोट शुरू की है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है इंडियन बैंक है उसने ग्रीन टेक पहल शुरू की है। IBE नोट की शुरुआत की है, जो पूरी तरह कागज रहित काम के माहौल को सक्षम बनाता है। IBE नोट एक उपकरण है जो डिजिटल रूप से विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा डाले गए नोटों के प्रसंस्करण और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। इससे समय में काफ़ी सुधार आने की उम्मीद है और इसके अलावा कागज छपाई और जो अन्य खर्चे हैं उनकी भी बचत होगी। इंडियन बैंक की बात करें, इंडियन बैंक के बारे में देखिए, स्थापना इसकी हुई 15 अगस्त 1907 को, मुख्यालय चेन्नई में है, CEO हैं पद्रजा चंद्रू इसके CEO हैं और संस्थापक थे इसके SRM अन्नामलाई चेटियार। प्रश्न नंबर 7 देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर शुरू हुआ है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है बांग्लादेश इसका सही आंसर है। भारत और बांग्लादेश की जो नौसेना है उनके बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर की शुरुआत हुई है। इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 2020 को इसकी शुरुआत हुई है और यह दूसरा संस्करण है। जो पहला संस्करण था वो 2019 में हुआ था। ये अभ्यास बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। इसका जो उद्देश्य है, व्यापक समुद्री अभ्यास एवं संचालन के माध्यम से अंतर संचालन एवं संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। बांग्लादेश के बारे में बात करें,
राजधानी ढाका है, राजभाषा बांग्ला है। प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और मुद्रा यहाँ की टका। प्रश्न नंबर आठ देखिए, प्रश्न नंबर आठ देखिए, किस केंद्रीय मंत्रालय ने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजीज लॉन्च किए हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। 1 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजीज का शुभारंभ किया है। CSIR वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है। यह CSIR IIT दिल्ली, उन्नत भारत अभियान और विज्ञान भारती की एक संयुक्त पहल है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 9, स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल। किस योजना के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक टैगलाइन है? दोबारा से सुनिए, स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल, ये एक टैगलाइन है। और ये टैगलाइन किस योजना के 6 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही गई है? तो ऑप्शन बी स्वच्छ भारत मिशन शहरी। आवास और शहरी मामले मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन शहरी की 6वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस कार्यक्रम को मनाने के लिए मंत्रालय स्वच्छता के 6 साल बेमिसाल शीर्षक से एक वेबिनार का आयोजन भी कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि 4,327 शहरी स्थानीय निकायों को अब खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस दशक को डेडिकेट ऑफ हेल्दी आइंग नाम दिया गया है? 2020-30, 2010-20, 2000 और 2010, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन ए 2020-30, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है ने 2020-30 को डेडिकेट ऑफ हेल्दी एइंग के रूप में नामित किया है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने बुजुर्ग लोगों की भलाई और विशेष जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इस दिवस को नामित किया है। WHO के बारे में बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना इसकी हुई 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस। प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर 11, रिलायंस रिटेल में 1.4% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने वाली मोबाडाला इन्वेस्टमेंट किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है। मोबाडाला इन्वेस्टमेंट अबूधाबी स्थित मोबाडाला इन्वेस्टमेंट रिलायंस रिटेल में 1.4% की हिस्सेदारी हासिल करने के लिए 6,247.5 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। यह रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड में 4था निवेशक है और हाल ही में इस तरह का यह 3रा सौदा है। इससे पहले निजी इक्विटी फर्म जर्नल अटलांटिक सिल्वर लेक ने क्रमशः कंपनी में 0.84% और इसके अलावा 2.13% की हिस्सेदारी खरीदी है। अगर हम बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस के बारे में देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में देखिए, RIL के बारे में, स्थापना 1966, संस्थापक धीरूभाई अंबानी, मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, अध्यक्ष और एमडी हैं मुकेश अंबानी। अबूधाबी राजधानी है किसकी? संयुक्त अरब अमीरात की बात कर रहे हैं हम, राजधानी अबूधाबी है। सबसे बड़ा शहर दुबई है। राजभाषा अरबी है। राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहान है। प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल फख्तूम है। और यहाँ की जो मुद्रा है वह है दिरहम। प्रश्न अगला देखते हैं, अगला प्रश्न आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12, बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न 12 देखिए, तीसरी पीढ़ी के मुख्य युद्धक टैंक का नाम क्या है जिससे DRDO द्वारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है अर्जुन इसका सही आंसर है। रक्षा अनुसंधान संस्थान जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM
को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण तीसरी पीढ़ी के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन से अहमदनगर महाराष्ट्र के एक रेंज में किया गया है। ATGM को कई प्लेटफॉर्मों से लॉन्च करने की क्षमता के साथ विकसित किया गया है। यदि हम अर्जुन की बात करें तो अर्जुन तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, इसे DRDO ने विकसित किया है। अर्जुन का नाम महाभारत के जो पात्र अर्जुन है उनके नाम से ही रखा गया है। इसका जो वजन है वो 58.5 टन है और इसकी जो लंबाई है वो 10.638 मीटर है। अगर फुट में बात करें तो 34 फीट 34 फीट 10.8 इंच ये इसकी लंबाई है। नीचे एक फोटो दिया हूँ मैं, ये है अर्जुन, ये अर्जुन जो युद्धक टैंक है। प्रश्न आगे बढ़ते हैं, प्रश्न देखिए, आज का प्रश्न है जिसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। प्रश्न है, हाल ही में नौसेना अभ्यास जिमैक्स 2020 संपन्न हुआ है, जिमैक्स भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो दोस्तों आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न जो कल का था जिसका जवाब काफ़ी लोगों ने सही दिया। प्रश्न था, हाल ही में पुस्तक बुके ऑफ फ्लावर्स का विमोचन हुआ है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन सी डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, डॉक्टर कृष्णा सक्सेना इसके आंसर हैं जिन्होंने बुके ऑफ फ्लावर्स जो पुस्तक है वो लिखी है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों जिन दोस्तों ने वीडियो को पहली बार देखा है, जिन साथियों ने वीडियो को पहली बार देखा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सभी के लिए धन्यवाद।